हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक डिजीज पार्ट फर्स्ट। दिस इज ए टॉपिक फ्रॉम द लेसन व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, इन दिस टॉपिक आई विल डिस्कस व्हाट इज डिजीज एंड हाउ डज डिजीज अकर, देयर काजेस फॉर डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीज एंड आफ्टर दिस है ना वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस टॉपिक इन अनदर पार्ट्स, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट फर्स्ट, डिजीज। व्हाट इज ए डिजीज? ओके, डिजीज एनी वेरिएशन इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज डिजीज, और वी कैन से ए चेंज इन साइकोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड ए डिजीज। ए डिजीज्ड पर्सन डज नॉट फील कंफर्टेबल। ओके, अब नाउ स्टार्ट काज ऑफ डिजीज। डिजीज कैन अकर बिकॉज ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग थ्री काज। देर आर सो मैनी काजेज बट वी विल डिस्कस ओनली थ्री काज। फर्स्ट काज due to the deficiency or accumulation of some nutritive components. When we have a balanced diet according to our age or according to our occupation, we remain healthy. But when our diet is deficient with one or more nutrients, then we fall ill. Beriberi is a disease occur due to the deficiency of vitamin B. Obesity is a disease occur due to the accumulation of fat in our body. Okay. Second, through infection, these are communicable disease. Cholera, tuberculosis are few disease which caused due to infection, which occur due to disease infection. Non-communicable disease like heart disease, stones in kidney and gallbladder, these are non-communicable disease. These disease affect only the patient. Okay, these disease not spread through a patient to a healthy person. Okay, let's start another part of the disease. What are non-communicable disease? The disease which are not caused by infection, okay, remain confined to the जो barrier only person है उस वहीं तक रहेगी, are called non-communicable disease, heart disease, non-functioning of kidney, gallbladder or kidney stones are few non-communicable diseases. Okay, now let's start very important topic of this part, hereditary or congenital disease. The disease which are carried by the parents टू ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटरी डिजीज। वो डिजीज़ जो पेरेंट से बच्चों तक जीन्स के थ्रू आती है, ठीक है, जीन्स के थ्रू आती हैं, वो उनको हम हेरिडिटरी और कॉन्जेंटियल डिजीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया इज ए डिजीज़, हेरिडिटरी डिजीज है ये, और पेरेंट्स इसमें क्या होता है, पेशेंट का ब्लड जो होता है वो क्लोट नहीं करता है, तो इन विच द पेशेंट्स ब्लड डज नॉट क्लोट ईजली। जनरली द टाइम टेकन फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम 2 to 8 मिनट होता है ना जो टाइम, वो 30 to 24 आवर्स भी इसमें लग जाते हैं कि ब्लड जो है वो क्लोट ही नहीं करता। आपके चोट लगती है तो कुछ देर बाद ब्लड अपने आप बंद हो जाता है, इसको हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी दोबारा से, ठीक है, व्हाट इज़ द ब्लड क्लोटिंग 10th क्लास में करूँगी आपको। ए
हीमोफिलिक पर्सन सेकंड जो है इसमें हीमोफिलिक पर्सन जो है वो जो क्योंकि जब खून ब्लड का जो क्लॉट ही नहीं बना तो ब्लड जो है वो निकलता रहेगा कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो जो पेशेंट है वो डाई कर सकता है। ठीक है, छोटी सी भी इंजरी उसको होगी माइनर इंजरी होगी तो भी उसका ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा और पेशेंट में ब्लड की कमी होने के कारण वो मर जाएगा। सेकेंड अनदर सच टाइप ऑफ डिजीज इज सिकल सेल अनीमिया। वैसे जो ये डिजीज जो है ना आरबीसी से के कारण होती है, आरबीसी ना राउंड शेप के होती है। ठीक है, तो जो सिकल सेल अनीमिया वाले पेशेंट होते हैं ना उसके आरबीसी जो है ना वो ऐसे बन जाते हैं, सिकल जैसे बन जाते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, तो इसमें हीमोग्लोबिन की जो राउंड शेप की होगी तो उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा होगी, पर जो सिकल सेल वाला होगा उसमें हीमोग्लोबिन जो है कम होएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ अवर बॉडी। ओके, और अब इसको स्टडी करते हैं। द पेशेंट्स आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैव डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन विच रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आरबीसी एंड द पर्सन गोस ऑन बिकमिंग वीक। ठीक है, जो पर्सन है वो वीक हो जाता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कम होएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगी तो फूड का ऑक्सीडेशन कम होगा तो एनर्जी कम निकलेगी और पर्सन जो है वो वीक होता जाएगा। तो ये टॉपिक जो था डिजीज़ का पार्ट फर्स्ट मैंने लिया था, अभी आपको दिखाती हूँ। ये है सिकल सेल, तो ये नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं ऐसे आरबीसी, पर जिनमें सिकल सेल जो डिजीज़ होती है ना जिनमें ऐसे बन जाते हैं। अब इस ये ऐसी शेप वाला कोई सिकल सेल है हमारा तो उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा ना, इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा लेके जाएगा, ये वाली आरबीसी जो होंगी जो ऐसी होंगी वो कम लेके जाएंगी तो पेशेंट जो है वो टायर्ड रहेगा, वीक रहेगा, वो काम ज़्यादा नहीं कर सकेगा। तो आई थिंक यू लाइक दिस टॉपिक। Thanks for watching this video. Thank you.